नमस्कार आपणंकु प्रियंका अर्बन किचन को स्वागत आमे आज बनेबा ओडिसा प्रसिद्ध पुरी मंदिर रा फेणी आपण माने जो माने भी पुरी जांदे से माने फेणी लेके आसंती कारण जगन्नाथ मंदिर रा फेणी रा टेस्ट बहुत नियारा तेनु आपण जदि परफेक्ट फेणी बनेबा को चाहू छेंती एई वीडियो टी लास्ट पर्यंत देखंतु एई वीडियो रा लास्ट रे मु किछ टिप्स देछि एबे आसंतु आरंभ करिबा फेणी बनवाप मुझे दुई कप मैदा नहीं दुई कप मैदा दुई चमच घी पकईटी घी सहित मैदा को भल भाव मिसई दिंतु बेस टाइम मिसेबे अल्प समय मिसेक अल्प पा दे कि गोटे टाइट डो बनवा देखंतु आमर जे डोटी हेई सारिची एबे आमे डोटी 10 मिनिट पई रेस्ट करिया को राखी दबा 10 मिनिट परे आमे एटी समान साइज रो गुडा सब काटी दबा एबे ए सब गुडा रो आमे रोटी टाइप रे बेलिबा देखंतु मु एटी रोटी रे साइज जति पतला रखी छी आपण सेति पतला रो रखिबे एहीपरि भावरे आमे सबु जक गुळा को रुटी भळिया बेली दबा एबे आमे दुई चमच घी रे गोटे चमच चावल रो गुंडा मिसेई कि गोटे भल भाबर पेस्ट बनेबा एबे आमे गोटे गोटे रुटी उपरे बनेथिबा घी आउ चावल गुंडा रो पेस्ट को दे मु जेपरि भाबरे गोटे गोटे लेयर बनेके रुटी सबु रखी छी आपण सेई भली भाबरे रखि दियंतु एपे ताको धीरे धीरे करके गोटे रोल बनेई दियंतु एबे हमें बनेथिबा रोल को सेम साइज रे काटी दबा रोल सब काटी देला परे हमें गोटे गोटे गुड़ा को आस्ते आस्ते करके बेलिबा मन रखंतु यहा को मझी भाग रे बेसी बेलिबेनी दी साइड को आस्ते आस्ते करके बेलिबे बेलिला परे देखंतु यार केते सब लेयर आसीची एही पर ही अबे अन्य सब गुळा को मध्ये बेलिकी रखी दबा एबे आमे फेणी की छाणीबा फेणी की छाणिया पई हमकु मीडियम फ्लेम रे तेल को गरम करिया पड़िबो बेसी हाई फ्लेम रे तेल को गरम करिवेनी एबे बने के रखितिया फेणी सब तेल रे पकेबा एबे फेणी की सब आस्ते आस्ते करपट सेपट करके गोल्डन ब्राउन हवा पर्यटन छाणीबा देखते आमर ये फेणीटी हो सारी यह देखा को सुंदर देखा जाउची एवं क्रिस्पी मध्य सेम प्रोसेस रे आमे अन्य सब फेणी की मध्य छाणी देबा एबे मु फेणी पे सीरा बनेची सीरा बनेया पई मते एटी दुई कप चीनी आ गोटे कप पानी नेची एहरा मेजरमेंट सबुले मन रखंतु दुई कप चीनी रे गोटे कप पानी नेबे
ଏଥିରେ ମୁଁ ଫ୍ଲେଭର ପାଇଁ କିଛି ଗୁଜୁରାତିର ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଛି ଆଉ ଫାଳେ ଲେମ୍ବୁ ପକାଇଛି। ଏବେ ଛାଣିକି ରଖିଥିବା ଫେଣିକୁ ସେଥିରେ ପକାଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାର କରିଦେବା। ବେଶୀ ସମୟ ରଖିବାନି, ବେଶୀ ସମୟ ରଖିଲେ ଏହା ବତୁରି ଯାଇଥାଏ ଆଉ ଭାଙ୍ଗିଯିବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସ ଥାଏ। ଏଠି ଆମର ଫେଣିଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ କେତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ କ୍ରିସ୍ପି ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ପରଫେକ୍ଟ ଫେଣି କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଘିଅ ସହିତ ମଇଦାକୁ ବେଶୀ ଖାସ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ତେଲକୁ ଗରମ କଲେ ଆମକୁ ଫେଣିକୁ ଛାଣିବା 15-20 ମିନିଟ୍ ଲାଗିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଫେଣିଟି କ୍ରିସ୍ପି ହୋଇଥାଏ। ଘିଅ ଆଉ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇକି ଆମେ ଯେତେଟି ଲେୟାର ବନେଇବା ଆମର ଫେଣିର ସେତେଟି ଲେୟାର ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ ଛାଣିଲା ବେଳେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏହିସବୁ ଟିପ୍ସରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଫେଣି ମଧ୍ୟ ପରଫେକ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଏହି ଫେଣିର ରେସିପିଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଏହି ରେସିପିଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ ନୂଆ ଏକ ରେସିପି ସହିତ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।